गंजा हाँ। अरे चलो, अरे चलो बात सुन, चल रस्सी से बांध के गंजा करेंगे इसको, गंजा डालो इसको। अबे अबे नहीं करो यार, लड़की के साथ पकड़ा गया, लड़की के साथ। अबे अबे चुप कर, अधूरा गंजा निकल, बोल रहा अधूरा गंजा कर, पूरा कर दो यार, ये सही है, ये सही है, पूरा नहीं करें। अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, कैसे हैं आप लोग? भाई मुझे पता है तुम लोग मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो यार, काफी दिन से व्लॉग ही नहीं आया। उसामा भाई क्या है यार, व्लॉग ही नहीं बना रहे यार। अबे यार ड्रामेबाजी मचा कर रखी हुई है, आपको बोला है मैंने मुन्ने को निकालो, जो अब से कोई नया कैमरामैन रखो। यार वैसे सही बोल रहा है, मुन्ने की वजह से व्लॉग नहीं आ रहा। मुन्ना कभी लड़की को घुमा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, शूट पे नहीं आ रहा यार, मतलब मजाक बनाया हुआ है। इतना छोटा सा है और उसकी हरकतें देखो यार, कसम खुदा की। करे क्या उसका मुन्ने का, करे क्या, एडिट भी वो करता है, शूट भी वो करता है, अब क्या करें। उसको सर पे चढ़ाया हुआ है आपने, इतना जगह जगह उसकी फैन फॉलोइंग देखो आप भाई, उसको जॉब से निकाल दो। तो जॉब से निकालो तो एडिट कौन करेगा फिर, कोई नया लड़का रख लेंगे। अबे यार वो ढूंढना पड़ेगा, जब तक वो नहीं मिलेगा व्लॉग फिर नहीं आएगा। एक काम करते हैं, मुन्ने को ना हम कोई सजा वजा देते हैं खतरनाक वाली, और उसके बाद माफ करके ना उसको दोबारा से काम पे रख लेते हैं। यार कोई ऐसी सजा बताओ मतलब वो जिंदगी भर उसको याद रहे, और आइंदा वो कभी किसी नामहरम लड़की को मेरी बाइक पे ना बिठाए। मिशकात भाई इसको उल्टा लटकाओ पंखे से, और इसके पिछवाड़े पे डंडे मारो, वो भी तेल लगाकर। लेकिन यार एक मसला है ना, हमें तो यूट्यूब पे भी डालना है, कॉपीराइट आ जाएगा यार। यार फिर ये इसने शैतान वाली हरकत करी है, बीच रोड में खड़ा करो और शैतान की तरह कंकर मारो। कंकर मारे हाँ। लेकिन यार वो कोई शैतान थोड़ी है, बेचारा मुसलमान है यार। यार ये क्या बात हुई हर बात में, लेकिन यार अभी भी वफादारी उसकी तरफ है। यार कोई ऐसी सजा सोचो ना कि मतलब मजा भी आ जाए, उसको सबक भी मिल जाए, और हमारा काम भी हो जाए, और वो शूट पे आने भी लग जाए। तो ऐसी कौन सी सजा है? एक काम करते हैं। क्या? मुन्ने ने हमसे लिया है पंगा। मुन्ने ने हमसे लिया है पंगा, अब हम उसको करेंगे गंजा। गंजा करेंगे मुन्ने को। लेकिन वो गंजा होने पे राजी कैसे होगा? अरे भाई उसको लेके जाएंगे किसी बहाने से, और उसको ले जाके मशीन फेर देंगे, और गंजा भी करेंगे पब्लिक में, रोड में सबके सामने। अबे यार गंजा होके लगेगा कैसे? ऐसा लगेगा कि नारियल को किसी ने छील दिया। अबे यार उसामा भाई एक मसला है यार। क्या मसला है यार? अगर हम उसको ऐसे बोलेंगे ना कि हम तुम्हें गंजा करने वाले हैं, तो वो कभी भी एग्री नहीं होगा, घर में जाके छुप जाएगा। यार मिशकात भाई आपके भाई के बाहर हर मुसीबत का हाल है। क्या बता यार, हम एक काम करेंगे, उसको बोलेंगे मुन्ने तुमने ये हरकत करी, सही है, तुम्हें मिलेगी सजा, सही है, और हम पर्चियां डालेंगे चार, बोलेंगे तुम एक पर्ची उठाओ, उसमें चार मुख्तलिफ किस्म की सजा है, लेकिन हम हर पर्ची में डाल देंगे गंजा, वो जैसी पर्ची उठाएगा उसमें आएगा गंजा, उसको कर देंगे गंजा। मतलब हमें हर पर्ची में गंजा लिखना है? तो एक काम करते हैं पर्ची बनाते हैं फटाफट। चलो भाई साहब चार पर्चियां बनाएंगे हम, और सब में हम लिखेंगे गंजा। नमस्कार भाई, आप तो बिल्कुल सीधी फाड़ते हो यार। तो भाई फाड़ने में माहिर हैं हम, ये चेक करो, बचपन से फाड़ता आ रहा हूँ मैं। मिशकात भाई कमाल के हो यार आप। अब सब पे क्या लिखना है? गंजा। कितनी प्यारी राइटिंग है मिशकात भाई। अबे कितना उठाते हो तुम यार, यार उठाने में माहिर है यार ये तो। गंजा, ये पतला वाला गंजा, ये मोटा वाला गंजा, इसमें आ गया इंग्लिश में गंजा। गंजा इंग्लिश की भी बहुत प्यारी राइटिंग है यार। अरबी वाली दिखाऊं? दिखाओ। गंजा, सुभान अल्लाह, सही है भाई, चारों जबानों में गंजा हो गया। अब देखते हैं अरबी में गंजा होता है, इंग्लिश में गंजा होता है, सिंधी में गंजा होता है, उर्दू में गंजा होता है। क्या बात है सर। चलो भाई पर्चियां बनाओ फटाफट। इसका तो भाई ऐसे बनाइएगा बस। यार वैसे बहुत मजा आएगा आज, मुन्ने को जब गंजा करेंगे ना, देखेंगे उसका सर अंदर से कैसा निकलता है, अंडा निकलता है या कोई गोल बॉल निकलती है, क्या निकलता है। फिर देखते हैं कि इस गंजे की शक्ल पे कौन लड़की तेरे को मुंह लगाती है। और गंजा होने के बाद ना हाथ लगाने में बड़ा मजा आता है। एक काम करेंगे मुन्ने को बीच में बिठाएंगे, दोनों हाथ लगाते रहेंगे। अबे आप हाथ लगाना, मुझे तो मजा पता कितना था गंजा होने के बाद टिंड पे चमाट मार ले। चलो भाई साहब चार पर्चियां बन चुकी हैं, अब हम जाएंगे मुन्ने के घर और उसको बोलेंगे कि भाई तूने गलती की है, ठीक है, तू लड़की को बिठा के मेरी बाइक पे गया था, तुझे कोई छोटी सी सजा मिलेगी, इसमें तेरी बहुत प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट सजाएं, इसमें से तुझे एक पर्ची उठानी है, और जो पर्ची उठाएगा वो सजा तुझे मिलेगी। तो चले में मुझे एक बात समझ में नहीं आती, क्या? खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। हाँ। आप और मैं कितने नमाजी परहेजगार अच्छे आदमी, ये मुन्ने ने हमें देख के रंग क्यों नहीं पकड़ा यार? इसका रंग कहीं और जा रहा है, ये कोई दूसरे यूट्यूबर की सोहबत में तो नहीं ले रहा वो जो गंदी गंदी हरकतें करता है। मुझे लगता है यार ऐसे यूट्यूबर से अपने बच्चों को बताएं, और ऐसे अच्छे अच्छे चैनल, ऐसे प्यारे प्यारे चेहरे दिखाएं। देखो ना हम कितने अच्छे अच्छे काम करते हैं, नमाजें पढ़ के दिखा रहे हैं, अब्बू को आईफोन गिफ्ट कर रहे हैं, कभी बच्चों को हिफ्ज वाले बच्चों को लेके दावत कर रहे हैं। भाई ये सीखो यार, गंदे गंदे काम नहीं सीखो। हिस्ट्री में मिशकात भाई पहली दफा मैंने ऐसा यूट्यूबर देखा जिसने अपनी घर की फैमिली की औरत की ना कभी आवाज सुनाई है, ना कोई हाथ दिखाए, ना उंगलियां दिखाई है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हर पाकिस्तानी यूट्यूबर को मिशकात भाई जैसा बना दे, तो इस्लामी मुमालिक पाकिस्तान कितना नाम रोशन, तरक्की कर जाएगा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? और उसामा भाई देखो माशाल्लाह दो शादियां हुई है, लेकिन कभी एक बीवी भी नहीं दिखाई। माशाल्लाह तीसरी भी होगी उसको भी नहीं दिखाऊंगा, चौथी को भी नहीं दिखाना, नहीं दिखाऊंगा। चलो भाई हम लोग चलते हैं अपने मिशन पे।
यार सिर्फ तुम लोग के लिए हम बहुत खतरनाक काम करने वाले हैं। मतलब मुन्ने को जब गंजा करेंगे तो मुन्ने की अम्मी भी हो सकता है हमें कुछ मार वार दें। भाई हम लोग सिर्फ और सिर्फ तुम लोग के लिए रिस्क ले रहे हैं क्योंकि बदले में हमें भी कोई गंजा वंजा कर सकता है। मिश्कात भाई आप गंजे होकर कैसे लगेंगे? अबे अभी तो मेरी शादी भी होनी है। अबे यार गंजा होकर शादी कैसे अटेंड करूंगा? दूल्हा अजीब लगा लेना, अजीब सा नहीं लगेगा गंजा दूल्हा? यार आज हम लोग मुन्ने को गंजा करने वाले हैं, लेकिन एक काम करते हैं क्योंकि गंजा होने के बाद मुन्ना बहुत ज्यादा रोएगा, तो उसको कवर करने के लिए हम लोग शॉपिंग करते हैं मुन्ने के लिए बहुत सारी और यहाँ से ले जाके मुन्ने को आखिर में दे देंगे। तो उसके लिए हम लोग आए हुए चेजअप में और यहाँ से अंदर जाके हम शॉपिंग करते हैं और अंदर बहुत सारी समर क्लियरेंस भी है। आ जाओ फटाफट। यहाँ से शॉपिंग करने का पता है क्या फायदा होगा? क्या फायदा? अंदर मतलब डिस्काउंट ही डिस्काउंट है। नहीं करो यार, सारे डिस्काउंट मतलब सब्जियों पे, पहनने पे, शूज पे, ओढ़ने पे, सब पे डिस्काउंट है। वे भाई उसामा भाई चेक करो, up to 50% समर क्लियरेंस है भाई साहब। ओ भाई, लेकिन यार यहाँ तो लड़कियों के कपड़े सारे के सारे। मैं तो भाभी के लिए ले लूँ ना। हाँ ना यार, शादी के बाद आपका भाई भाभी को यही लेकर आएगा, लेकिन अल्लाह करे डिस्काउंट हो यार, स्टॉक खत्म हो जाएगा ना, डिस्काउंट भी खत्म हो जाएगा। यहाँ से आपका भाई भाभी के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेगा भाई। तू क्या देख रहा है भाई? यार मैं आने वाली के लिए, बल्कि मैं एक काम करूंगा अलग से आऊंगा, इसके सामने नहीं लूंगा, ये बातें बनाएगा फिर। चेक करो पैंट्स कितनी अच्छी क्वालिटी की लगी हुई है यार, और पीछे शर्ट भी चेक करो, मतलब भाभी के लिए सारा का सारा सामान यहाँ पर मौजूद है। सामा भाई चेक कर रहे हो कितनी सारी समर क्लियरेंस हो रही है? कहाँ है पागल बना रहे हो आप? अबे यार तुम्हारे पीछे वो चेक करो भाई साहब, वॉज और नाउ चेक करो, मतलब 3,999 का था और अभी हो गया 3,199 रुपए का। भाई साहब 3,699 रुपए का था, हो गया 2,959 का। 200 रुपए की बचत। हाँ भाई साहब ये चेक करो, सब पे प्रमोशन लगी हुई 50% off 50% off। लेकिन ये सारी लड़कियों की चीज है यार, मुन्ने के लिए लेनी है हमें तो। यार वो रही ना। यार यहाँ से लेते हैं, मुन्ने के लिए लेते हैं फटाफट। हाँ पर भी ना सारी के सारी सेल लगी हुई, ये चेक करो वॉज और नाउ चेक करो, 1,699 रुपए का था और अभी है 1,019 रुपए का, मतलब कितनी सारी बचत हो रही है, 600 रुपए, 500 रुपए एक एक आइटम पे भाई साहब। तो ये ऑफर कब तक है भाई? ये जब तक स्टॉक खत्म नहीं हो जाता ना, फटाफट आओ, स्टॉक खत्म हो जाएगा, जल्दी से आगे फायदा हासिल कर लो। जो आ जाएगा वो पा जाएगा। हाँ जो आ जाएगा वो पा जाएगा। हम लोग जिस डील का इंतजार कर रहे थे, वीकली डील आ चुकी है, ग्रोसरी पे, चिकन पे, चेज अपने मतलब इस बार तो धमाका कर दिया। ये चेक करो भाई साहब, 660 की चिकन थी, अभी है 549 की, और इसके अलावा सब्जियों में, फल में, फ्रूट में, सब में डिस्काउंट लगा हुआ है। आलू 80 रुपए का था, 49 का मिल रहा है, प्याज 135 की थी, 99 की मिल रही है, और भी सारी चीजों में, बहुत सारी चीजों में डिस्काउंट है। मिश्कात भाई यार ये तो डिस्काउंट बड़े जबरदस्त है, मैं तो फैमिली को लेकर आऊंगा और यहाँ से शॉपिंग। भाई फटाफट आओ चेजअप जौहर की ब्रांच पे आओ, वैसे और भी चेजअप में लगी हुई है डिस्काउंट डिस्काउंट, लेकिन जौहर की ब्रांच पे तो मतलब तबाही मची हुई है। तो भाई फटाफट तुम लोग चेजअप पे आओ, यहाँ से शॉपिंग करो और स्टॉक को लूट लो यार। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मुन्ने के घर और अंदर जाके देखते हैं कि मुन्ना घर पे है या नहीं है। अगर घर पे हुआ उसको निकाल के क्या करेंगे हम? गंजा। और मिश्कात भाई छापा मारना वरना मुन्ना बहुत तेज है। हाँ उसको ना मतलब पता नहीं चलने देंगे कि हम लोग आए, क्योंकि उसको पता है कि हम लोग कुछ ना कुछ करने वाले हैं। आ जाओ भाई फटाफट। उसामा भाई पर्ची ले ली? मिश्कात भाई पूरी 4 पर्चियां। और मैं उन लड़कियों को बोलना चाह रहा हूँ जो चूहे जैसी शक्ल पर मरती है, अब देखना गंजा होके कैसा लगेगा। यार वैसे मैं हैरान हूँ यार, मतलब लड़की मुन्ने को कैसे मिल गई यार? यार मुझे यकीन करो मिश्कात भाई, मुझे अपनी शक्ल पर लानत देने का दिल करता है। मैंने बाद में वीडियो देखी, उस लड़की के चेहरे पे जूम मारा, उसकी आंखें जूम कर करके देखी है मैंने। यार इतनी खूबसूरत लड़की लेकिन मुन्ने जैसे बंदे को मिल गई यार। अब आप जला रहे हो ना मेरी। मैंने उसके हाथ भी जूम किया, हाथ भी गोरे थे यार उसके। यार नहीं बताओ यार मिश्कात भाई आप मुझे। और यार वो क्लिप मैंने देखी, ऐसे करके हाथ डाल ली थी। अबे यार मतलब हद हो गई यार, मुन्ने जैसे बंदे को हाथ डाल लिया यार। अबे रो नहीं यार, तुझे भी मिल जाएगी यार। नहीं मिलती यार। अबे मिल जाएगी, ऑडियंस में से कोई लड़की देख रही है तो सामा भाई को भी नंबर बता दे। बाजी को नंबर बताओ अपना। 0305 जो भी मुझे देख रही है मेरी वाइफ ना है घर पे? घर पे है भाई, मुन्ने का पड़ोसी बोल रहा है कि मुन्ना घर पे है। आवाज नहीं मारिएगा। हाँ आवाज नहीं मारेगा, डायरेक्ट छापा मारेंगे। एक बार मिल जाए मुन्ने, आवाज चेंज करके बोलते हैं। इधर इधर भाई इधर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या कर रहे हो बोरे बोरे उठा के भाई? यार वो स्नूकी आई ना, उनको कपड़े वगैरह दे रहा हूं। अच्छा नेकी नेकियां कर रहा है भाई, बंदा सुधर गया है, गरीबों को कपड़े दे रहा है माशाल्लाह। क्या हाल है? ठीक है आप? लड़की के साथ पकड़ा गया था अभी? अबे तो पूरी दुनिया को पता चल गया है। अच्छा आओ ना इधर तो आओ, बाहर तो आओ, चप्पल पहन के आओ ना, चप्पल पहन के। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई मुन्ना नेकी कर रहा है, खुद के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है लेकिन गरीबों को दे रहा है। सही बात है। आज ना हम तुम्हारे पास बहुत जरूरी काम से आए हैं। कौन से काम से आए? बहुत जरूरी काम है यार, आज तुम्हारे साथ एक सरप्राइज है। हाँ तुम्हारे लिए ऐसा सरप्राइज है कि तुम्हें आज तक मिला ही नहीं होगा। वाह यार, मैंने तुम्हें कितने सारे सरप्राइज दिए ना, बहुत सारे। सबसे अच्छा कौन सा लगा था तुम्हें? वो जो आपने घर दिया था ना, मुझे घर का जो किराया रिलीव करा था वो, हाँ, बहुत जबरदस्त, वो बहुत अच्छा था, लेकिन आज उससे भी अच्छा है। हाँ क्या है भाई? बस देखो तुम। अब यार बता दो ना सरप्राइज तुम्हारे इन पर्चियों में, इन पर्चियों के अंदर है? नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, आराम से अंदर बैठते। चलो चलो, अपनी अम्मी को बताया जो तुमने भूल के लाया था? हाँ वो ब्लॉग देख लिया। अम्मी ने कुछ बोला तुम्हें? हाँ डांट रही थी। ओ
और वो फिर डंडे से मारा अम्मी ने। अच्छा किया ना मारा, जाहिर सी बात है लड़की के साथ पकड़ा गया यार, अच्छी बात थोड़ी है। वैसे मुन्ने एक बात बताओ यार, आजकल तुम ना शूट पे आ रहे हो ना किसी चीज पे तवज्जो दे रहे हो, कॉल का रिस्पांस नहीं दे रहे, क्या चक्कर है यार ये? बस जब से लड़कियों के चक्कर में पड़े हो, क्या कौन सा काम है भाई? वो काम तो उस दिन तुम्हारा देखा था मैंने बीएमआर पार्क में, वो तो अलग काम था। इधर बैठो बैठो यार, मुन्ने तुम्हारी अम्मी से बात करनी है यार थोड़ी सी। क्यों करनी है? उनसे ना एक परमिशन लेनी है। वैसे उन्होंने डंडे से मारा यार। अरे खैर है यार, एक परमिशन लेनी है ना। परमिशन तो बनती है। हाँ परमिशन बनती है। क्या लेनी है? देखो इसके अंदर है तुम्हारा बहुत अच्छा सरप्राइज। क्या है? मतलब चार सरप्राइज है, इसमें से एक तुम्हें मिलेगा। क्या क्या ये तो बता दें। अरे यार सरप्राइज बताया थोड़ी जाता है, लेकिन तुम्हारी अम्मी से पहले परमिशन लेनी है कि हम सरप्राइज दें या ना दें। नहीं भाई सरप्राइज मिलता मैं भी परमिशन लेकर आता हूँ। जल्दी जाओ भाग के जाओ। कोई हो रहा है, इसको पता ही नहीं है क्या होने वाला है। इसको पता नहीं है कि फटने वाली है। फटने नहीं, पूरी खत्म होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम जी। आंटी आपने व्लॉग देखा मुन्ने ने जो हरकत की थी? जी जी देखा है जी। लड़की के साथ पकड़ा गया था ये जी। अब हम ना इसको आज एक सजा देना चाह रहे हैं जी। मैंने भी इसको डंडे से मारा था, लेकिन आप भी दें इसको सजा इसको ना। आपने तो मारा था वो ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है हमारे साथ इसने किया ना, मेरी बाइक लेकर गया था, तो ये बनता है कि मैं भी इसको एक सजा दूं जी। इसको सजा दे, इसको आइंदा के लिए ना ख्याल रहे। ऐसी सजा देंगे कि आइंदा ये कुछ करेगा ही नहीं। सही है मुन्ने, आज तुम्हें प्यारी सी सजा मिलने वाली है। फाइनली हमने मुन्ने की अम्मी से परमिशन भी ले ली, अब हम मुन्ने के साथ कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि मुन्ने की अम्मी ने हमें बोल दिया कि इसके साथ करो और इसको सबक सिखाओ ताकि आइंदा ये कुछ भी ना कर सके। सरप्राइज मिलने वाला है। अबे सरप्राइज नहीं है, सजा है। सजा सजा पता है? सरप्राइज के अंदर तुम्हारी सजा छुपी थी। हाँ अभी जितनी तुम्हारी ये पत्ती सी निकल ली है ना, जब सजा मिलेगी ना तो फिर तुम्हें मजा आएगा। अबे यार कोई छोटी मोटी सजा दे देना भाई। सजा तो छोटी सी है लेकिन मजा आएगा तुम्हें। मतलब तुम्हारे पास जितनी लड़कियां ना सारी भाग जाएंगी। अबे यार लड़कियों को भगा रहे हो यार। हम तो तुम्हारी भी छोटी सी है मिस्टेक, सजा भी छोटी सी है भाई। देखो मुन्ने चार पर्ची है, सही है, इसके अंदर चार सजाएं लिखी हुई हमने, सही है। इसमें से तुम जो उठाओगे तुम्हें सजा मिलेगी। अब इतना खुश क्यों हो रहा है? सजा मिलने वाली है सजा। अबे यार तो अच्छी होगी ना कोई सजा भी। अच्छी क्यों होगी सजा भाई? सजा अच्छी अच्छी नहीं होती, सजा सजा होती है। अभी आपने बोला था इसके अंदर कोई सरप्राइज है तुम्हारे लिए, तो सरप्राइज में सजा है। समझो, समझने की कोशिश करो, हमेशा अच्छा सरप्राइज नहीं मिलेगा। तुझे मिलने वाली सजा है, हमें आने वाला मजा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लो। हिलाओ हिलाओ हिलाओ, इसको हिलाने दो ना खुद से। मुन्ने सही से हिला ले, इसमें तेरी किस्मत का फैसला होने वाला है। सिर्फ एक ही उठानी है इसमें? एक ही उठानी है। दो चांस दे देना। नहीं नहीं, इसमें चॉइस मिल जाएगी मुझे। एक उठानी है, एक एक ही बस। चलो हां चलो भाई, कौन सी उठाओगे? चार हो गई पर्चियां, इसमें तो उठा लो। शूं शूं शूं, अकड़ बकड़ कर लो अगर समझ नहीं आ रहा। एक सेकंड, अकड़ बकड़ बम्मे वो 80 90 पूरे 100 100 से निकला धागा, चोर निकल के भागा, चोर की बीवी बैठी थी वो मेरे साथ बैठी थी। इस पर आ गई चोर की बीवी बैठी थी मेरे साथ। अबे सारी लड़कियां ये लेके जाएगा क्या? चोर की बीवी भी लेके जा रहा है भाई। आज मैं तुम लोगों को एक ऐसी ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जिसको देखकर और खेलकर तुम लोग बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। मेरे पास मेलबेट ऐप की तरफ से जबरदस्त ऑफर है सबके लिए। ये बहुत यूजर फ्रेंडली गेम है जिसमें आप जीतने वाली टीम का बताकर और गेम खेलकर बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, और सबसे बढ़कर इसमें आप इजीली विथड्रॉ भी कर सकते हैं, वो भी अपने बैंक अकाउंट में। इसके साथ ये ऐप 24/7 कस्टमर सपोर्ट भी देता है। तो इंतजार किस चीज का, जाएं और अर्निंग स्टार्ट करें। गूगल पे जाएं, ये साइट सर्च करें और मेरा प्रोमो कोड मिशकात के यूज करके बहुत सारा बोनस हासिल करें। इस पर आया मिशकात ये वाली पर। चलो उठाओ उठाओ चलो। नहीं इस पर चोर की बीवी बैठी थी कोई और उठा भाई तू। हां कोई और, दोबारा से सफल कर दो। देख लो अभी भी सोच लो सोच लो सोच लो सोच लो सोच लो तीन और सोच लो भाई सोच लो। हो सकता है इसमें खतरनाक सजा हो, इसमें अच्छी सजा हो। चलो ये फिर रख रहा हूं। अच्छा एक बात बताऊं, तीन में सजा है, एक में सरप्राइज है। हैं? हाँ अल्लाह करे यार सरप्राइज वाले मिल जाए। सोच लो सोच लो सोच लो। ये खुली भी लग रही है, ये उठा देता हूँ। चलो ये उठाओ। सही है, खोल लूं? हाँ बिस्मिल्लाह पढ़ लो, बिस्मिल्लाह पढ़ लो, बिस्मिल्लाह पढ़ लो। गंजा गंजा होगा तू, गंजा। ये क्या गंजा? तेरे सारे बाल उड़ेंगे, ये सजा है। अबे भाई होना पड़ेगा अब गंजा। नहीं मिशकात भाई, अब तो तेरी अम्मी से भी परमिशन ले ली हमने। मैं नहीं होऊंगा गंजा यार। भाई इधर पकड़, इसको पकड़, इसको बिठाओ, इसको बैठो बैठो बैठो। गंजा क्यों? गंजा होना पड़ेगा तुझे। नहीं कोई और पर्ची निकालो यार। बात सुन, लड़कियों को यूं यूं करके जो दिखाता था ना, स्टाइल मारता था, सारे स्टाइल खत्म। रीटेक लेने ही कट कर दे। तेरा नसीब, जो निकल गई वो निकल गई। इसमें 12 कर लेना। इसमें एक में विश्वास है ना, 50,000 इनाम भी रखा था, वो हाँ। भी 50,000 वाली निकाल लो यार। नहीं नहीं नहीं, पहले तो मैं बोला था भाई सोच लो। अबे मिशकात भी दोबारा से कर लेते ना यार। मुन्ने के इतने प्यारे प्यारे बाल, सारे के सारे अभी उड़ने वाले, अंदर से टिंडन निकलने वाली है। यार मैं नहीं होऊंगा यार गंजा। भाई अगर तुझे गंजा नहीं होना, या तो हो जा गंजा या हो जा नंगा। नंगा कर लो, गंजा जी करो, नंगा कर लो। आप देखो आप अपनी अम्मी की इज्जत करते हो,
देखो तुम्हारी अम्मी से पूछा है ना हमने कि गंजा करेंगे, नहीं गंजे का तो नहीं बोला था यार मिश्काल भाई, हमने बोला था जो सजा देंगे, अम्मी ने कहा इसको ऐसी सजा दो ताकि आइंदा ये कुछ करे नहीं। और बेटा यही सजा तुम्हारे लिए सबसे अच्छी है क्योंकि ये बाल ही है जिनकी वजह से तुम अपनी खूबसूरती लड़कियों को बना पफ बना बना के जा रहे थे ना ऐसे ऐसे करके, ये सब खत्म होने वाला है। गंजे होने के बाद बंदर जैसी शक्ल निकल के आ जाएगी और हर लड़की तुझसे दूर भाग जाएगी। सामो भाई इसको गाड़ी में बिठाओ, नहीं लेके जाओ। अरे चलो, अरे चलो बात सुन, चल चल, गंजा होगा तू, गंजा होगा, चल अबे चल, गंजा करेंगे। लड़कियों के साथ क्यों घूमता था भाई यार, प्लीज गंजा नहीं करो ना। नहीं सजा तो मिलेगी, सजा मिलेगी, इसको उठा के लेके जाओ, सामा उठा के लेके जाओ, छोड़ आज छोड़, चल गंजा करेंगे इसको, गंजा गंजा ही नहीं होगा। चलो चलो चलो, गेट खोलो, गेट खोलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अबे चप्पले छोड़ो इसको ऐसी की तैसी, नहीं नहीं चलो चलो। सामो भाई बात सुनो, रस्सी है ना गाड़ी में, रस्सी सब कुछ है, बस सही है, रस्सी से बांध के गंजा करेंगे इसको। अबे चप्पल छोड़ो तुम, अबे चप्पल, अच्छा अच्छा सारे बाल खत्म होने वाले हैं। भाग जाएगा मिश्काल भाई, गेट खोलो, उतार दो यार मिश्काल भाई, क्यों उतार दो, गेट खोलो। नहीं नहीं चप्पल अप्पल का टाइम नहीं, तू भाग जाएगा, इसको गंजा करेंगे सारे। लड़की के साथ पकड़ा है अंकल, लड़की के साथ पकड़ा है, इसको गंजा करेंगे अब हम। गाड़ी खोलो, अबे गाड़ी छोड़ो, डिग्गी में बिठाते हैं इसको, डिग्गी खोलो, डिग्गी खोल दी मैंने, डिग्गी खोल दी, अंदर डालो इसको, अंदर डालो इसको फटाफट। तूने जो करा है ना घुसा बेटा, तू जो लड़की के साथ जा रहा था ना अभी, तेरे साथ देख होता क्या, आगे बिठा दो यार, डिग्गी में तो नहीं बिठाओ यार। अबे चल, अबे कसम खुदा की यार, बिठाओ सही कर वरना लगेगी, एक सही आराम से, आराम से मुंह पे लगेगी, मुंह पे आ रही है, अंदर जा चल। चलो बैठो फटाफट गाड़ी में, ओए बजा नहीं, ओए गाड़ी नहीं बजा, बैठो सामो भाई फटाफट बैठो, घुसो अंदर घुसो, इसको आज गंजा करेंगे। बहुत लड़कियों के साथ घूम रहा था, हमारे दिल को इसने बड़ा जलाया, इतनी गोरी लड़की के साथ घूम रहा था, साले के साथ। चुप करो, मेरे तो दिल को ऐसा सुकून मिल रहा है ना कसम खुदा की। अबे चीख रहा यार, नहीं मरेगा तू, इतनी जल्दी बुरे लोग नहीं मरते, चुप कर, अबे चुप कर, अबे चुप कर खोतिया। मैं गंजा करने वाली मशीन लेकर आ रहा हूँ, जल्दी लेकर आओ यार, बात सुनो यार, गंजा करने वाली मशीन दे दो, चोर पकड़ा है चोर साले को, लड़की के साथ घूम रहा था, जल्दी तो जल्दी फटाफट निकाल यार। चलो भाई मशीन मिल गई है फटाफट, इससे हम इसको गंजा करेंगे। ओ भाई साहब इससे हो जाएगा ना गंजा पूरा, जबरदस्त सीन हो गया, वीआईपी सेटअप हो गया। चाचा हमने एक लड़का पकड़ा है लड़की के साथ घूम रहा था, उसको अब गंजा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, बेहतरीन काम है, गंजा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। चलो चलो बैठो फटाफट बैठो, मशीन मिल गई है मशीन। सामो भाई तुम करोगे मैं करूँ, मिश्काल भाई आप करना, दोनों मिलके करेंगे, दोनों मिलके करेंगे, आप आगे से करना, मैं पीछे से करूंगा। और जब गंजा कर रहे हो ना वो वक्त याद रखना जो लड़की के साथ घूम रहा था और ये हाथ ऐसे ऐसे करके फेर रहा था, जेलसी हो रही है, नहीं दिखाओ, और ये बाल ऐसे ऐसे करके बना रहा था, इसकी तो ऐसी की तैसी साले की, अब देखो मैं क्या करता हूँ। चलो चलो भाई फाइनली मुन्ने को चौक पे सबके सामने हम इंशाल्लाह गंजा करेंगे, सबके सामने गंजा करेंगे, इबरत का नमूना बनाएंगे ताकि तू आइंदा कभी हरकत ना करे। माफ कर दो यार मिश्काल भाई, चल इधर, सबके सामने करेंगे, लड़की के साथ घूमता है वो भी मेरी बाइक पे, शर्म नहीं आती तुझे? करो बिस्मिल्ला, करो बिस्मिल्ला, करो बिस्मिल्ला, नहीं करो, पीछे बैठ जा चल, अबे लड़की के साथ पकड़ा गया तू, अबे तो माफ कर दो, गंजा करूंगा क्या इसका मतलब, अबे चुप कर, इधर सामने देख, सामने देख, अबे नहीं करो यार, लड़की के साथ पकड़ा गया, लड़की के साथ पहले चौक के इबरत का निशान बनाएंगे, इबरत का निशान बनाएंगे, चुप कर, इधर देख, इधर देख, इसका मुंह पकड़ो यार, अबे चुप कर, चुप कर, चुप कर, चुप कर, लड़की के साथ पकड़ा गया तू, शर्म नहीं आ रही, लड़की के साथ तू हरकतें कर रहा था तू भाई, ऐसी छोड़ो इसको, ऐसी छोड़ो, ऐसी उजड़ा बना के अंडा करेगा लड़की के साथ, नहीं करूंगा, गंजा कर दिया यार सारा, अबे चुप कर, अबे यार गंजा तो नहीं कर रहा, सही बोला तेरे साथ, ताकि तू किसी और के साथ डेट नहीं मारे साले, अब तो लड़की के साथ क्यों घूम रहा था तू, अबे तो मतलब गंजा कर दिया तुमने, हाँ गंजा कर दिया साले, चल घूर नहीं, अब नीचे देख, इधर देख, चल वीडियो बनाने के लिए आ नहीं रहा, कैमरा मैन कर नहीं रहा, नहीं कर रहा ना बिल्कुल, भाई लड़की के साथ घूम रहा है, पकड़ा गया, मेरी बाइक लेके जा रहा है, बोल रहा लड़की के साथ डेट मार रहा है, पकड़ा गया, इधर देख, चल चल सही है बाबा, सही है, नहीं पूरा करेंगे ना, पूरा नहीं करेगा, अधूरा गंजा अंकल बोल रहे, अधूरा गंजा बोल, पूरा कर दो यार, ये सही है, ये सही है, पूरा नहीं करें, अबे पूरा कर दो ना यार, ये अजीब सा लग रहा हूं मैं, नहीं नहीं अधूरा अधूरा, सही डेट मार, अब सही है, अब सही है, डेट मार, डेट मार,
लड़की को बात सुनो, लड़की को यूं स्टाइल मार रहा है बाल करके दिखा के, मैंने कहा बाल ही निकाल दो साले के, उम्र इतनी सी, हाँ बाल ही निकाल दो साले, स्टाइल मार मार के पूरा कर दो, पूरा नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, बल बहुत है, बहुत है, बहुत है, नहीं 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 पूरा गंजा करो यार, नहीं पूरा नहीं, बस अधूरा होगा, नाई के पास जाके करो, नाई के पास जाके यार, चुप कर, पूरा गंजा करो, चुप, पूरा गंजा करो, पूरा गंजा करो, बस और कर देता हूँ, चल चल बस ये ले बाल पकड़ा, और गंजा करो, मुन्ना है लड़की के साथ पकड़ा गया, लड़की के साथ डेट मार रहा था, इसके लिए किया, लड़की के साथ डेट मार रहा था, शर्म नहीं आती लड़की के साथ डेट मार रहा था, इंदा करेगा तू, इंदा करेगा इस पूरा भाई, सही है ये, सही है, आज पीछे से देखो, पीछे से ये, आगे से ये, पूरा कर दो ना अंकल, लड़की के साथ पकड़ा गया लाइव, लड़की के साथ लाइव पकड़ा इसको हमने, क्या करना चाहिए इसके साथ, गंजा होकर छूटना भाई, मुन्ने को सबके सामने गंजा किया, इबरत का निशान बनाया, आइंदा कोई लड़की के साथ ऐसा नहीं करेगा, आइंदा कोई भी लड़की के साथ पकड़ा जाए उसको इसी तरह गंजा करके इबरत का निशान बनाओ उसको, सही है भाई, लड़की के साथ पकड़ा गया, लड़की के साथ हरकतें करता है तू, तो भाई फाइनली मुन्ने को गंजा कर दिया सबके सामने, इबरत का निशान बनाया ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना करे, आइंदा कोई भी लड़की के साथ पकड़ा जाएगा उसको इसी तरह गंजा किया जाएगा, गंजा कर दिया इसको, लड़की के साथ पकड़ा किया था, ये देखो कैसा गंजा किया इसको, अब देखते हैं कितनी लड़की तेरे हाथ से पटती है, ये जो हेयर स्टाइल है ना तेरा, आइंदा करेगा लड़की के साथ, आइंदा लड़की पटाएगा, लड़की पटा रहा था, मारना चाहिए, नहीं नहीं बच्चा है मारना नहीं चाहिए, गंजा कर दिया, मुन्ने को ऐसी मजे की सजा दी है ना, मतलब मजा आ गया, अच्छा सा आ गई, तो गाड़ी में भी नहीं बिठाएंगे, पैदल जाएगा, अबे सारे बाल गिराएगा ये, गाड़ी में बैठ फटाफट अबे क्या लग रहा है हमने वैसे सही बता, कैसी सजा मिली, आइंदा लड़की के साथ कभी करेगा हरकतें, अबे जा यार कसम खुदा की, तुम लग कैसे रहा है यार, अब ये डेट मारेगा इस कंडीशन में कैसा लगेगा वैसे मुन्ने तूने गलत पर्ची उठा ली यार, तो कोई और पर्ची उठाते ना, हो सकता है कोई और निकल और जाता, पर्ची में क्या था, दिखाओ यार। चलो इसको पर्चियां दिखा दो, इसको सारी पर्चियां दिखाओ, इसमें क्या वाली, गंजे वाली है। हाँ गंजा इसमें लिखा हुआ है, गंजा दूसरी देख, दूसरी देख, तीसरी वाली में नहीं था, दो में गंजा था, अच्छा दो में गंजा था, तीसरी उठाया, तीसरी वाली उठा यार, पचास हजार इनाम, पचास हजार इनाम है, इसमें भी गंजा, तीनों में गंजा, चौथी में सरप्राइज था, अबे चौथी में सरप्राइज था, चौथी में सरप्राइज, चौथी वाली खोलो, इसका ना सरप्राइज होगा, गंजा गंजा क्योंकि तेरी किस्मत में गंजा होना था, मजा आ गया मुन्ने सोच मैं लड़की हूँ तू लड़का है, डेट मारते हैं आजा, अब बोलो ना आई लव यू जैसे बोल लेते, मैं तुमसे शादी करूंगा बिरयानी खिलाऊंगा, आई लव यू मैं तुमसे शादी करूंगा तुमसे निकाह करूंगा, आख तू अपनी शक्ल में तो कोई अपनी अब कुतिया भी नहीं देगा कौन सा खतरनाक जानवर है जिसके साइडों में बाल हो तो नीचे से यूं निकला हुआ होता यार एक लड़का, इसकी शादी नहीं हो रही यार, इसकी क्यों नहीं हो रही शादी, हाँ इसकी शादी नहीं हो रही, हालांकि इतना प्यारा ये देखें, हो जाएगी शादी, हालांकि इसका हेयर स्टाइल देखें कितना प्यारा हेयर स्टाइल, कितना खूबसूरत लग रहा है ना यार, मेरे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं यार, माशाल्लाह पफ पफ चेक करो यार कितने प्यारे लग रहे हैं मुन्ने, फाइनली हमने मुन्ने को सजा दे दी है भाई, मुन्ना माशाल्लाह बहुत ही प्यारा क्यूट लग रहा है, और इस हालत में अगर ये डेट मारेगा ना इतना खूबसूरत लगेगा, मतलब लड़कियां पागल हैं इसके पीछे, साथ में आपने जो ये हेयर कट बनाया ना पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में ऐसा हेयर ये नया कट इजाद किया भाई, इन्वेंट किया, इन्वेंशन ये नहीं, ये चेक करो माशाल्लाह, तू परेशान नहीं है, तुझे देखते जो ना अब तू फेमस पर्सनालिटी, हर बंदा यही कट करवाएगा, इस कट का नाम पता है क्या, कुत्ती कट, कुत्ती कट माशाल्लाह, ओए होए ये जो साइड से बाल और ये फेडिंग आ रही है ना, ओए होए कुत्तों वाली फेडिंग आ रही है मुन्ने, अब लड़की अगर फंस जाए ना तो मेरा नाम बदल दियो, मेरा बच्चा इसकी मूंछें भी उड़ा दें, अबे हाँ इसकी मूंछें भी उड़ा दें यार, नहीं करो ना यार मिशकात भाई, अबे नहीं करो मिशकात भाई, ऊपर से पूरा गंजा कर दे यार, तो गाड़ी में गंजा करेंगे, गाड़ी गंदी करेंगे क्या, तो कर लो भाई, इधर देख तू, आई आई मुंह में बाल जा रहे हैं, बाल खा ले, आधा गंजा आधा नंगा लग रहा है कौन सा स्टाइल बना रहा है, अच्छा सा बनाना, हीरो लगूं, नया स्टाइल बन रहा है, नया स्टाइल लगूंगा हीरो, हां हां तू हीरो लग रहा है भाई, तू प्यारा लग रहा है, मजे यार लड़के ही लड़के होंगे अब तो, मैं पीछे से कितना, पीछे से दिखाओ, ओए होए क्या स्टाइल बना है, शाहरुख खान लग रहा है, चल भाई मुन्ने तेरा काम हो गया, चल निकल,
अबे भाई पूरा गंजा छोड़ना है भाई, ये वाला हेयर कट नया इजाद किया यार, तू अच्छा लग रहा है बहुत, शाहरुख खान लग रहा है। ओए होए अबे नहीं ना, ये देखो बस ना, लंबी नहीं कर यार, और भी शूट पे जाना है भाई। बात सुन, आइंदा शूट पे आएगा? नहीं आऊंगा अब तो। हैं क्यों नहीं आएगा भाई, आना पड़ेगा। पूरा गंजा करोगे तब आऊंगा मैं। नहीं नहीं पूरा गंजा नहीं होगा, यही हेयर कट तेरा रहेगा। कर दो, मशीन है भाई। तेरी अम्मा देखेंगे ना, तेरी अम्मा बोलेंगी मेरा लाल आया है, मेरा काला आया है। उतर फटाफट, कब से तेरे को बोलने तेरी समझ में नहीं आ रही। शुक्र कर गंजा करा है, रोड पे नंगा भी करने का इरादा था मेरा तो। उतर, अबे नहीं करो पूरा गंजा, उतर खुद ही हो जाऊंगा मैं नाई के पास जाके। चल पीछे से हेयर कट चेक करना इसका। ओए 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 गंजा कर दिया अंकल गंजा। ये चेक करो भाई हेयर कट।